ये बाई डिज़ाइन है, उसमें हमारी जो सारी ज़िम्मेदार क़यादत है वो ऐसे काम नहीं करते। लेकिन ये बंदे जो हमने इधर देखा कि हमारे एक जुलूस में वो DSP था किसी हवाले से, तो वो काला कोट पहन के पिछले जुलूस में वो पत्थर मार रहा था, तो वकला ने पकड़ लिया, भाई आप हम रोक रहे हैं आप क्यों। तो अल्टीमेटली इट केम इन टू नॉलेज ऑफ दी होल बॉडी कि ये बंदा वकील नहीं, ये DSP है किसी। आपका खदशा क्या है कि इस बार जो कुछ हुआ उसके अंदर क्या शरपसंद अनासिर काले कोट पहन के आपके अंदर घुस गए और उन्होंने ये सारा कुछ किया? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल वही कि कुछ लोग जो उनके एजेंट थे उन्होंने इस वाकया को मनूवर किया। मनूवर करने के बाद जब वहाँ गए तो वहाँ पहले ही रास्ते में, एक बात मैं ख़ास तौर पर कहूँ, हमारे जो लाहौर बार की कैबिनेट है मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताते रहे कि इधर जा रहा है हमारा जुलूस, इधर जा रहा है, तो आप इस, किसी बंदे ने नेगोशिएट नहीं किया, किसी ने के या एंटी राइट फोर्स ने के इनको जो उन्होंने कहा आगे तक जाने जाने। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ आप ये देखिएगा कि आप वीडियो आपके पास मैं अभी दे देता हूँ कि वहाँ जो पहले से लोग मौजूद थे वो लाठियाँ पत्थर अंदर से बरसाने शुरू कर दिए, इधर से वकला ने बरसाने शुरू कर दिए। उसके पहला पत्थर, आप ये कह रहे हैं ये क्लियर होनी चाहिए बात, जो पहला पत्थर आया था क्या वो PIC के अस्पताल के अंदर से आया था? मैंने आपको वीडियो फुटेज अभी देता हूँ, उस पे आप देख लीजिएगा कि पहले पत्थर अंदर से आए, उसकी रिटेलिएशन से बाहर से आए, तो अल्टीमेटली फिर ये चीज़ें जो है एग्रेवेट हो गई। उम्मीद है कि इस केस के अंदर आपको इंसाफ मिलेगा और ये मामला जो है अब कैसे हल होगा, इसलिए चूंकि वहाँ पे भी देखें अमवात तो हुई हैं, चार लोग जो हैं वो दम तोड़ गए हैं, तो उसकी भी तो अब FIR होगी, कहीं ना कहीं इस मामले को हल करना होगा। कैसे मैं ये अर्ज़ करता हूँ, हमें देखें, हमें जो भी मरने वाला है उससे की फैमिली से हमें अफसोस भी है या अदरवाइज भी है, लेकिन आप देखें, आप ले लें पूरे एक साल की हिस्ट्री PIC की, वहाँ बीमार आदमी जाते हैं डेली, वहाँ कितनी अमवात होती हैं आप दे लें देख लें। अब खुदा न खास्ता को पहले ऐसी बात हुई है वो भी वकीलों पे डाल दें तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, और मैं ये समझ रहा हूँ जिन्होंने तशद्दुद किया क्या उनके पर पर्चे होने चाहिए, क्या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हम उनके लाइसेंस भी सस्पेंड करेंगे, जो वकील जिम्मेदार हुआ हम उसका लाइसेंस भी सस्पेंड करेंगे, हम उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में पुलिस कस्टडी में वकीलों को इस लेवल पे तशद्दुद करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? गुजारिश है कि मीडिया वन साइडेड स्टोरी ना चलाए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अहम बात की है कि मीडिया वन साइडेड स्टोरी ना चलाए। हमने आपको PIC में भी दिखाया कि क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा, मगर यहाँ पे भी जो तमाम वकला हमें मिले हैं, हमने उनकी वीडियो फुटेज भी देखी है, उनकी बात भी सुनी है, तो ये बात वाज़े भी हो गई है कि पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस ने उस दिन भी तशद्दुद किया, और इनका मुतालबा है कि जो वकला इस वक्त उनकी हिरासत के अंदर हैं, बताते हैं 81 के करीब वकला उनकी हिरासत के अंदर हैं, जिसके अंदर से 46 मेरा ख्याल है पेश हुए हैं, और उनके ऊपर भी इनको नज़र आया है कि टॉर्चर के निशानात हैं, और कस्टोडियल किलिंग, कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो पुलिस की तरफ से हम देखते आए हैं, मुल्क भर में देखते आए हैं, इसकी कंप्लेंट यहाँ पे भी है, और वो उम्मीद करते हैं कि जो वकला हैं जो बेकसूर हैं कम अज़ कम उनको पुलिस जो है वो बाइज्जत रिहा करे।